जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक नाविक जीडी ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूँ। पर दोस्तों उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि ये जानकारी उन सभी लोगों तक पहुँच जाए जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं पूरी जानकारी। दोस्तों अभी जो वेबसाइट आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और यहां से ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ओपन करने पर आप सबसे पहले इस भर्ती के बारे में शॉर्ट में या फिर कह लीजिए कि फुल में भी जानकारी चेक कर पाओगे और ये क्लियर कर पाओगे कि आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो भी या फिर नहीं हो। जैसे कि नेम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन आप यहां पर चेक कर पा रहे हो, आपका पोस्ट का नाम नाविक जीडी यहां पर दिया है। जीडी की फुल फॉर्म होती है जनरल जनरल ड्यूटी और जो आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 260 है। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन है और जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया रहने वाली है और साथ ही ऑल इंडिया से ही कैंडिडेट इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें आवेदन करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है जिसमें कि आपके कम से कम 50% होने चाहिए फिजिक्स एंड मैथ के अंदर। और जो हाइट है आपकी वो भी आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो और इसमें आपको रनिंग करनी होगी जो कि 1600 मीटर की रहेगी जिसके लिए आपको 7 मिनट का समय दिया जाएगा। 20 स्क्वाट्सअप यानी कि उठक बैठक लगानी है, 10 पुशअप आपको लगाने होंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 22 साल के बीच है यानी कि आपका जन्म 1/8/1998 से लेकर के 31/7/2002 के बीच अगर हुआ है तो तभी आप इसमें आवेदन कर पाओगे। और यहाँ पर दोस्तों आप जो आपकी इंपोर्टेंट डेट है वो भी आप चेक कर पा रहे हो। इसके अलावा इसमें आपसे आवेदन करने के लिए कोई फीस भी नहीं ली जाएगी। तो ये सब जानकारी चेक करने के बाद आपको नीचे आने और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक को ओपन कर लेना है। ये करने पर आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी और अब यहाँ पर आपके मन में जो डाउट थे कि इसमें हम आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते वो क्लियर हो चुके हैं। तो अगर आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो तो तभी आप आगे इस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर जो आपकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो आपकी 2 फरवरी 2020 रखी गई है। तो यहाँ पर आने पर सबसे पहले आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है और ये करने पर आपको यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको ये सब जानकारी भरते हुए ज़्यादा समय नहीं लेना है। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा समय लोगे तो आपको बार बार एरर आ सकता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके सभी जानकारी को कन्फर्म करके आपको भरते जाना है। जैसे कि यहाँ पर एक कैंडिडेट नेम फर्स्ट नेम, यहाँ पर आपको अपना पहला नाम एंटर करना है और ये नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। इसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना है और फिर यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम डाल देना है। अब आते हैं फादर नेम यानी कि आपके पिताजी का नाम और यहाँ पर ये पूरा नाम आपको लिखना होगा और ये नाम भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना है। फिर आता है मदर नेम यानी कि आपकी माताजी का नाम, तो आपको अपनी माताजी का नाम भी यहाँ पर डाल देना है। फिर आती है यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी, तो यहाँ पर आपको अपनी वर्किंग ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। तो चलिए हम इसको एंटर कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या हो यहाँ से आपको इस प्रकार से एंटर करनी है। पहले आपको डालना है, इसके बाद आपको अपना मंथ डालना है और यहां से आपको अपना जो भी आपका ईयर है वो डाल देना है। तो चलिए हम इसको यहां पर फिलअप कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये जानकारी फिलअप कर देनी है। अब आता है आपका सिलेक्ट योर कास्ट यानी कि आपकी कास्ट क्या है, तो आपकी जो भी कास्ट है वो आपको चूज कर लेनी है। इसमें किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को आवेदन करने के लिए कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहां पर मैरिटल स्टेटस आपका जो भी है वो आपको चूज करना है। वेदर यू बिलोंग्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, क्या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर करते हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। जेंडर आपका जो भी है यहां से आपको चूज कर लेना है, पर इसमें जो कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे वो मेल ही लोग हैं यानी कि फीमेल कैंडिडेट इसमें आवेदन नहीं कर सकते। डू यू नो स्विमिंग यानी कि क्या आपको तैराकी या फिर तैरना आता है, अगर आता है तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहां पर आप नो पर ही रहने दीजिए। प्रोफेंसी इन स्पोर्ट्स यानी कि नेशनल लेवल पर अगर आपके पास है तो यस करना है, नहीं तो यहां पर भी आपको नो ही रहने देना होगा। फिर आता है इज वार्ड्स ऑफ कोस्ट गार्ड यूनिफॉर्म पर्सनल डिक्रीज्ड व्हाइल इन सर्विस, क्या आप सर्विस से निकाले गए थे, अगर अगर गए थे तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है।
फिर यहाँ पर आता है इज योअर फादर सर्विंग या फिर रिटायर्ड फ्रॉम डिफेंस, यानी कि क्या आपके पिता डिफेंस के अंदर सर्व कर रहे हो या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं। तो आपको यहाँ पर इसके अंदर यस नो में आंसर देना है। तो अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। अगर आप यहाँ पर यस करते हो तो आपको यहाँ से अपना सर्विस टाइप भी चूज करना होगा कि इनमें से डिफेंस के कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आपके पिता कार्यरत है या फिर कार्यरत थे, तो आपको इसके अनुसार ये चूज करना होगा। तो या फिर आप ये कह लीजिए कि यहाँ पर आप सर्विस टाइप चूज कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ से कोस्ट गार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों आते हैं परमानेंट एड्रेस। दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको ये जानकारी बताई है कि सर्विस टाइप, तो आप इसमें कोस्ट गार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा अगर आप यहाँ पर इसका आंसर दे रहे हो। अगर आप यहाँ पर यस करते हो तो भी आपको ये चूज करना ही होगा, तो यानी कि इसका इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये आपको चूज करना ही है। फिर आते हैं परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका जो भी स्थायी पता है उस एड्रेस की जानकारी आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। चलिए यहाँ पर हम ये एड्रेस फिलअप कर देते हैं। इसके बाद जो भी आपकी स्टेट है वो आपको चूज कर लेनी है। इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपको चूज कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका सिटी, तो आपकी जो भी सिटी है उसका नाम आपको यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। मोबाइल लैंडलाइन, यानी कि यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर देना होगा। मैं यहाँ पर एक रैंडम नंबर देने वाला हूँ जो कि मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, क्योंकि मैं इस फॉर्म को जो डेमो है उसके रूप में भर रहा हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर एक रैंडम नंबर एंटर कर देते हैं। आपके पोस्ट ऑफिस या फिर डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या, वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। क्लिक हियर इफ करंट कोरस्पोंडेंस एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर जैसे आपकी जानकारी भरी है ऐसे ही रहने देनी है। पर अगर आपका प्रजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आपको इसके ऊपर टिक करना है, और टिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने प्रजेंट एड्रेस की जानकारी सेम तरीके से भर देनी है। पर अगर आपका प्रजेंट और परमानेंट एड्रेस एक जैसा है तो आपको उसको अनटिक ही रहने देना है। फिर आती है चॉइस ऑफ सेंटर, यानी कि आप कहाँ पर अपना एग्जाम देना चाहते हो। तो बेसिकली यहाँ पर आपने उत्तर प्रदेश, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, तो उसको जो लोग उत्तर प्रदेश से फॉर्म को भरेंगे उनके लिए ये एक लोकेशन है जो कि एग्जाम सेंटर की है, और इसमें कोई भी चॉइस आप चूज नहीं कर सकते। तो आपकी स्टेट के अनुसार यहां पर आपको एग्जाम सेंटर की लोकेशन देखने को मिल जाएगी। एनसीसी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आपको एबीसी चूज करना है, नहीं तो आपको नन ही रहने देना है। अब आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहां पर आपको अपनी 12वीं की जानकारी देनी है, तो जो कि जरूरी है। यहां पर दिया 10+2, क्या आप अपेयरिंग हो, अगर हो तो आपको इसके ऊपर टिक करना है, नहीं तो आपको अनटिक रहने देना है। अगर आप पास हो तो आपको ईयर ऑफ पासिंग के अंदर अपना ईयर चूज कर लेना है। तो चलिए यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यह आता है सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि आपको अपनी 12वीं की मार्कशीट का नंबर देना होगा। यूनिवर्सिटी बोर्ड आपको चूज करनी है, तो जो भी आपका बोर्ड है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। टोटल मार्क्स आपके कितने थे वो आपको यहाँ पर डालने हैं, उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करने, और आपकी परसेंटेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप ग्रेजुएशन पास हो तो आपको इनमें से अपनी क्वालिफिकेशन चूज कर लेनी है, और अगर आप अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो यानी कि फाइनल ईयर या फिर सेकेंड ईयर के अंदर, आपको उसके पर टिक करना होगा। और सेम तरीके से आपको बाकी की जानकारी भरनी है, जैसे कि ईयर ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट नंबर, और किस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो वो यहां पर आपको चूज करनी होगी, और बाकी के मार्क्स भी आपको डालने होंगे। अगर आपके नंबर सीजीपीए के अंदर है तो यहां पर दिया जा रहा है कन्वर्ट सीजीपीए इनटू परसेंट एंड देन एंटर, यानी कि अगर आपके नंबर सीजीपीए के अंदर है तो आपको किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना है और वहां पर अपने जो सीजीपीए है उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहां पर एंटर कर देना है। इसके बाद अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की योग्यता तो आप वो भी आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। फिर आती है मार्क्स एंट्री फॉर कंपलसरी सब्जेक्ट 10+2, तो यहाँ पर फिजिक्स के टोटल मार्क्स कितने थे, तो यहाँ पर 100 में डाल देता हूँ, उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। मैथ्स के टोटल 100 मार्क्स आपको डालने हैं, और उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये परसेंटेज आ जाएगी। फिर आते हैं फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपके फोटोग्राफ का फॉर्मेट है वो जेपीजी का रहना चाहिए, और साइज आपका 10 से 40 KB के बीच, और सिग्नेचर का साइज 10 से 30 KB के बीच। तो चलिए हम यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के पर आपको जो आपकी गैलरी है उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं यहां पर एक रैंडम इमेज आपको अपलोड करके दिखाता हूं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, यहां से ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद आपकी फाइल का नेम आ जाएगा। फिर आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करना है और यहां से ओपन कर लेना है। फिर आता है इंप्लॉयमेंट डिटेल्स, जो कि ऑप्शनल है, यानी कि अगर आप इसको भरना चाहते हो तो भर दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इज सर्विस पर्सनल अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। सर्विस टाइप आपको चूज करनी होगी, अगर आप यहां पर यस करते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने दे सकते हो। फिर आता है वेदर इंप्लॉयड इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, तो यहां पर आप इसकी जानकारी चेक कर दे सकते हो कि किस डिपार्टमेंट के अंदर आप इंप्लॉयड हो अगर हो तो। फिर आता है डिक्लेरेशन, यहां पर आपको
पैलेस में अपने पैलेस का नाम एंटर कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको एंटर कर देते हैं, और करने के बाद यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी कोड दे जा रहा है ये सिक्योरिटी कोड आपको फिलअप करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको भी फिलअप कर देते हैं, और ये करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन वाज एक्सेप्टेड, और आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है, ये आपको कॉपी कर लेना है और इसको सेव करके रखना है। फिर यहाँ पर आता है प्रिंट एक्नोलिजमेंट या फिर प्रिंट एप्लीकेशन, तो यहाँ पर हम प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, और ये आपको अभी अपने पास सेव करके रख लेना है, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको तब पड़ेगी जब आप एग्जाम अटेंड करोगे। यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना होगा और यहाँ पर आपका नाम दिया गया। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि अभी आपको इसको अपने पास सेव कर लेना है, क्योंकि ये आपका एडमिट कार्ड के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आपको इसको अपने पास रख लेना है। और यहाँ पर आप प्रिंट एक्नोलिजमेंट भी देख सकते हो जो कि आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ पर आप जो आपके रजिस्ट्रेशन की जानकारी है यानी कि नंबर है वो यहाँ पर एक्नोलिजमेंट में दिया जा रहा है। तो दोस्तों बस यही थी आपकी पूरी जानकारी इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ ज्ञान दे होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।